रहस्य की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना का साक्षी इतिहास का शूर हूँ मैं, कानपुर हूँ, कानपुर मैं, कानपुर हूँ। सृष्टि की रचना से लेकर मैं लवकुश के जन्म का साक्षी हूँ। ध्रुव ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहीं कठोर तप किया था। इतिहास के पन्ने मेरी सरजमी से निकले शौर्य से गुथे पड़े हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब और तात्या टोपे ने यहीं से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। पुराण और इतिहास के अनेक चिन्ह मेरे आंचल में सुरक्षित हैं। कानपुर की धरती पर हुई थी सृष्टि की रचना। बिठूर में ब्रह्मावर्त घाट पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्म खूंटी है। मान्यता है कि इसी जगह पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और ब्रह्मा खूंटी धरती का केंद्र बिंदु है। महामंडलेश्वर स्वामी विनय स्वरूपानंद सरस्वती के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का जिक्र है। वाल्मीकि आश्रम में ठहरी थी सीता माता। श्री राम द्वारा अयोध्या से निष्कासित सीता जी ने बिठूर में ही गंगा तट पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपना वनवास काटा था। यहीं पर लवकुश का जन्म भी हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। ध्रुव टीला है त्याग की निशानी। बिठूर में गंगा तट पर ध्रुव टीले का हिस्सा आज भी मौजूद है। मान्यता है ध्रुव ने यहीं बैठकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप किया था और तारा बनकर अमृतत्व को प्राप्त हुए। ब्रह्मवर्त रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य और उपनिदेशक युवा कल्याण अजय त्रिवेदी कहते हैं कि इसी तरह बिहूपुर का फूलमती देवी मंदिर की संरचना 800 साल पुरानी है। शंभुआ का मंदिर भी चंदेल कालीन है। निबिया खेड़ा का शिव मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है या 10-11वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। इसी तरह कुर्था के दो मंदिर पीसनहारी की मढ़िया भी बेहद प्राचीन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र देश की आजादी में 1857 के गदर में बिठूर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। उन्हीं के आश्रय में रानी लक्ष्मीबाई भी पली बढ़ी। यहाँ नाना साहब का किला तो है लेकिन ध्वस्त अवस्था में है। उनके सेनापति तात्या टोपे ने करीब 2 साल अंग्रेजों से मोर्चा लिया। शहर में फूलबाग के पास नाना राव पार्क में वह बूढ़ा बरगद भी है जहाँ 133 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। बॉलीवुड तक बज रहा कनपुरिया बोली का डंका। कानपुर की बोली की अपनी एक शैली है जिसकी गूंज बॉलीवुड तक है। कंटा, भौकार, चौकस, खलीफा, बकलोली, लभेड़, चिकाई जैसे अनेक शब्द दबंग से लेकर कई फिल्मों में सुनाई देते हैं। लापता गंज से लेकर भाभी जी घर पर हैं जैसे अनेक धारावाहिकों और MGO जैसे कार्टून सीरीज में भी यहाँ की बोली सुनाई देती है। रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम ब्रह्मावर्त घाट पर, आइए हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी तो जानते हैं यहाँ की मान्यताएं क्या है। आपको बताएंगे जिस स्थान पे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप जैसे बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इसको ब्रह्मा कुटी के नाम से जो है लोग आप इसको जानते हैं। तीर्थ यात्री जितने भी भक्तगण आते हैं ब्रह्मा कुटी पे, आपको संक्षेप में इसकी कहानी व काम है इसको बताते हैं। इसके विषय में माया दृष्टा क्या है, ऐसी मान्यता है विष्णु जी ने भगवान श्री ब्रह्मा जी को यह आदेश दिया, पहले धरा इस धरती भूमि पर धरती करता। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी को यह आदेश दिया कि उस समय आ चुका है कि धरा व धरती पर मानव जाति उत्पत्ति की जाए। तो मानव जाति उत्पत्ति के लिए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने यहीं पर बैठ करके तप हुआ यज्ञ किया और यज्ञ एक बार किया वो यज्ञ उनका असफल हो गया, फेल हो गया। ऐसा दूसरी बार किया फिर उनका वो प्रवचन उद्देश्य जो था वो फिर असफल रहा। ऐसे 99 बार में यज्ञ थे महाराजा मन हुआ तक रूपा का चल हुआ जिनके वह श्रेष्ठ अनेक रूपा ब्रह्मा जी जो यज्ञ कर रहे थे। तो उसी यज्ञ में और भी रुचि मिली गोसागण काफी विष्णु पंडित हुए। तो उन्होंने आग्रह किया कि महाराज आपने जिस युद्ध से बैठ करके यहाँ तप हुआ यज्ञ किया, आपका यज्ञ तो सफल हुआ, आपका प्रवचन जो था वो सफल हुआ और आने वाले समय में जब मानव जात और बढ़ जाएगी तो पहचान क्या रह जाएगी कि आपने यहाँ बैठ करके तप हुआ यज्ञ किया। तो उन्होंने पहचान के लिए अपनी गाँव की चीफ नेताओं का संबोधन जो लकड़ी के गाँव पर नेताओं के संबंध के बाद यहाँ पर पूर्ण कर लिया तो उठ करके वो यहाँ से चलती है और संस्थाओं तो पाताल लोग को चली गई इसीलिए पूरी बनकर के रह गई। आप इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ब्रह्मा कुटी नीचे
बोला गया पूरे विश्व का केंद्र ब्रह्मावर्त समान क्षेत्र ना कि भूमंडल है क्वचित अर्थात ब्रह्मावर्त के समान कोई दूसरा धरा इस भूमि पर कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है वो इसलिए नहीं इसका कारण है क्योंकि ये मनुष्य की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु रहा है यहाँ से मानव जाति की उत्पत्ति है ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है ब्रह्म वर्त पुराण के अनुसार जैसे हम लोगों ने चार वेद छह सात अठारह पुराण उसमें से एक पुराण जो है वो ब्रह्म वर्त पुराण में ऐसा महाराज जी वाल्मीकि जी ने इसको अपने हाथ से लिखने से उसका वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी ने बैठ कर यहाँ तब हुआ यह किया और यह तीर्थ चार नामों से जाना जाता है इसमें आप दिखा सकते हैं ये देखिए लिखा हुआ है उत्पल अरण्य जैसे अपने भारतवर्ष में नौ अरण्य अरण्य का तात्पर्य होता है जहाँ सघन वन रहा हो जंगल रहा हो यानी कि ऋषि मुनि जहाँ जहाँ निवास करते रहे हो तो ये पहला तीर्थ का नाम है उत्पल अरण्य दूसरा आपका प्रहस्मतिपुरी ऐसे आपकी मनुस्मृति जैसे हुई ऐसे स्मृतियाँ हुई स्मृतियों के आधार से इसका नाम है प्रहस्मतिपुरी तीसरा आपका ब्रह्मावर्त चौथा आपका बिठूर लेकिन आज के समय में आधुनिक टाइम में मॉडर्न टाइम में लोग बात ज़्यादातर बिठूर जानते हैं क्योंकि आपका ऐतिहासिक नाम ज़्यादा पौराणिक कम है या ऐतिहासिक ज़्यादा पौराणिक कम है वो तीनों जो नाम आपको बताएं वो पौराणिक नाम है क्योंकि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब पेशवा हुए टाटा टोपी जी उनका यहाँ पर ये ठहर रहा हुआ इसलिए वीरोधन ठहर यानी वीरों का ठहर जहाँ ठहरने का स्थान रहा हो जो महापुरुष जहाँ पर ठहरे हो तो इसे बिठौर नाम पड़ गया बिठौर से और जब उसका संधि विच्छेद हुआ स्पष्ट किया तो बिठूर हो गया उसका नाम तो इसलिए तीर्थ का यही नाम और यह आपको बिठाएंगे इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ पुष्कर में प्रतिमा की पूजा पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूमाएं आपको बहुत से देवी देवता के स्थान नहीं मिलेंगे लेकिन ब्रह्मा जी को आपको कहीं मंदिर नहीं मिलेगा वो इसलिए नहीं मिला कि क्योंकि भगवान श्री भोलेनाथ जी के द्वारा इनको साफ है ब्रह्मा जी कहीं की पूजा कहीं नहीं होती है राजस्थान का आप कभी जाएंगे या जो भी इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति देख रहे हैं इसको बता सकते हैं देख समझ सकते हैं कि पुष्कर में प्रतिमा की पूजा और विभूर में उनके चरणों की पूजा विश्व में पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के दो ही स्थान हैं वहाँ प्रतिमा पुष्कर राजस्थान में और विभूर में चरणों की पूजा इसी को दिस इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड बोला गया पूरी दुनिया का विश्व का केंद्रबिंदु माना गया ऐसा कि आपने देखा पंडित जी ने पूरे विस्तार में पूरे संक्षेप में बताया कि केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा होती है और कानपुर स्थित ब्रह्मावर्त घाट में उनके चरणों की पादुका की पूजा होती है इसी तरह अभी हम आपको और भी कई जगहों से अवगत कराएंगे दुनिया में रहस्यों की दुनिया है लगातार रहस्य पर रहस्य छिपे हुए हैं हम एक एक रहस्य आपको जरूर अवगत कराएंगे आरटीआई न्यूज 24 की अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले